हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे बना सकते हो बहुत ही इजी वे से डिसइंफेक्टेड स्प्रे, वो भी अपने घर पर, जो कि हम यूज करेंगे रेगुलरली टच होने वाले एरिया के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस डिसइंफेक्टेड स्प्रे को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक खाली बाउल। आप खाली बाउल यहाँ पर कोई भी ले सकते हो, चाहो तो स्टील का ले सकते हो या तो फिर ले सकते हो कांच का, लेकिन वो अच्छी तरह से क्लीन होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे डिसइंफेक्टेड स्प्रे को बनाने के लिए एक कांच का खाली बाउल ले लिया है। अब हमने इसमें पानी डालना है। मैं यहाँ पर टैप वाटर यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैंने इसको पहले उबाल लिया था और उसको ठंडा करके छान लिया था। यहाँ पर मैंने आधा ग्लास पानी डाला है और ये स्प्रे बनने के बाद हम इसको फिल करेंगे एक स्प्रे बॉटल में। लेकिन ये आपकी स्प्रे बॉटल आप ध्यान रखें कि साफ़ होनी चाहिए अच्छी तरह से। आपके पास स्प्रे बॉटल तो होगी ही, अगर आपकी स्प्रे बॉटल में कोई और लिक्विड है तो आप उसको खाली कर ले और फिर उसको अच्छी तरह से क्लीन कर ले, उसके बाद ही आप अपना डिसइंफेक्टेड इसमें फिल करें। अगर आप इसको ज़्यादा बनाना चाहते हो तो इन सब की क्वांटिटी आप डबल कर दें। अब मैं इसमें डालूंगी डिटॉल लिक्विड। डिटॉल जो है वो डिसइंफेक्टेड लिक्विड होता है। यहाँ पर मैंने ओरिजिनल डिटॉल लिया है, ये बेस्ट है। और अगर आपके पास कोई और फ्लेवर का डिटॉल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने इसमें 2 टीस्पून डिटॉल लिक्विड डाला है। और अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हो तो इसको आप डबल करें इसके अकॉर्डिंग ही। अब आप इस पानी को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये जो हमारा पानी है इसको हम अपने स्प्रे बॉटल में फिल कर लेंगे। और इस लिक्विड को आप काफी लंबे टाइम तक यूज कर सकते हो। ये जो हमने स्प्रे बनाया है ये यूज करना भी बहुत ही ज्यादा इजी है और साथ में ही ये बनाना भी काफी ज्यादा इजी है। जस्ट आपको 2 मिनट ही लगेंगे इसको बनाने में। आप अपने मेन डोर के हैंडल्स में इसका रेगुलरली यूज करें। और जो हमारी डोरबेल होती है उसका स्विच बोर्ड होता है, वहाँ पर भी हमने यूज़ करना है ये, क्योंकि ज़्यादातर कोई ना कोई विजिट करता ही रहता है, तो आप रेगुलरली इसको यूज़ करें। देखिए ये मेरी थोड़ी सी छोटी बॉटल थी तो ये पूरी फिल हो चुकी है, आप देख सकते हो यहाँ तक। अगर आप ज़्यादा या कम बनाना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग ही आप क्वांटिटी रखें दोनों चीज़ों की, पानी और डिटॉल की। आपने सिंपल क्या करना है, एक हैंकी ले लें या तो फिर आपके पास जो भी कपड़ा है आप वो ले लें और स्प्रे करें। आप इसको मेन डोर के हैंडल्स पर, अपनी डोर बेल पर, और जब हम अपना हैंड वॉश करते हैं वॉश बेसिन पे तो उसको हम धोना भूल जाते हैं, तो आप इसको वहाँ पर भी स्प्रे कर सकते हो और फिर आप इस हैंकी की हेल्प से उसको अच्छी तरह से पोंछ दें, क्लीन कर दें। तो इससे जितने भी कीटाणु होंगे, जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाएंगे। और एक बात का आप खास ध्यान रखें कि अगर आप अपने स्विच बोर्ड पर इसको स्प्रे करोगे तो आपने डायरेक्ट स्प्रे नहीं करना है, आप पहले एक कपड़ा लें उसके ऊपर इसको स्प्रे करें डिसइंफेक्टेड को, और उसके बाद अपने स्विच बोर्ड को क्लीन करना है आपने इस कपड़े की हेल्प से ही, डायरेक्ट स्प्रे नहीं करना है आपको। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और सब्सक्राइब करते वक्त नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं अपडेट्स के लिए। तो मिलते हैं आपसे अच्छी और इफेक्टिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।